Hello students, good morning, how are you? I hope you are also fine. Okay, today I am going to start your online class. Firstly, I am giving to you moral. Today my moral is, if you want sun like sun, then first burn like sun. यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह जलना भी होगा. ओके, आपको क्या करना है, यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह जलना भी होगा. उसकी तरह क्या करना होगा, उसकी तरह हार्ड वर्क करना होगा. वो क्या करता है, जलता रहता है, उसके बाद सबको रोशनी प्राप्त कर पाता है. तो उसी तरह पहले आपको क्या करना है, पहले आपको जलना है और उसके बाद आपको सभी से रोशनी प्राप्त करनी है, देनी है. ठीक है, तो बेटा आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना है और तभी आप क्या कर सकते हैं, चमक सकते हैं. ठीक है, और दूसरों को रोशनी प्रदान कर सकते हैं. ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6. ओके, आवर चैप्टर इज शेप्स ऑफ थिंग्स. बेटा एक बार मैं आपके इस चैप्टर का रिवीजन कर देती हूँ. यह है चैप्टर 5. ओके, मिशमास ऑफ वर्ड्स. समटाइम्स टू वर्ड्स ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम अ न्यू वर्ड, दे डिफर बाई जस्ट वन लेटर. कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ओनली वन लेटर का यूज़ करने पर टुगेदर, यानी वन लेटर को हम लोग क्या कर देते हैं, डिफर कर देते हैं, यानी अलग कर देते हैं. मीन्स जैसे सिंह है, हमने यहाँ पर क्या किया, आई से ओ कर दिया, ओनली वन लेटर का यूज़ किया, रिप्लेस कर दिया. तो क्या होता है, वन लेटर को रिप्लेस करने पर हमारा ये पूरा वर्ड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. जैसे सिंग से क्या हो गया, सॉन्ग हो गया. हमने क्या किया था, ओनली आई को रिप्लेस किया, आई की प्लेस पर हमने क्या कर दिया, ओ कर दिया, और ये हमारा पूरा वर्ड क्या हो गया, चेंज हो गया. उसी तरह हमने डिंग डिंग डोंग गोज द बेल. अब देखिए, आई को हमने रिप्लेस किया और यहाँ भी ओ कर दिया, तो ये क्या हो गया, डिंग से डोंग बन गया. उसी तरह निक, निक में एन के एन आई सी के है, और हमने क्या किया, के एन आई की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, ए रिप्लेस कर दिया. ओके, अब ये क्या हो गया, निक से नैक बन गया. टिप, टिप से आई की जगह हमने रिप्लेस किया ओ, फिर क्या हो गया, टिप से टॉप हो गया. ओके, इसी तरह हमारे सारे वर्ड्स हैं कि हमने एक ओनली हम क्या करते हैं, वन लेटर को रिप्लेस करते हैं और हमारे उस लेटर को रिप्लेस करने से हमारा नया वर्ड बन जाता है. ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, शेप्स ऑफ थिंग्स, यानी सभी चीज़ों का शेप्स. ठीक है, तो कोई भी चीज़ होती है वो किस तरीके से होती है, किसी न किसी शेप में होती है. ठीक है बेटा, आपने फर्स्ट क्लास में शेप्स पढ़ा भी होगा, मैथ्स में भी पढ़ा होगा. तो देखिए, ज्वाइन द डॉट्स टू ड्रॉ द शेप्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड राइट द नेम्स ऑफ द शेप्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. आपको क्या करना है, आपको ये जो डॉट्स दिए गए हैं, इन डॉट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है. और ज्वाइन करने के बाद ये किस शेप में है, कौन से शेप्स में है, आपको यहाँ पर क्या करना है, उसका नेम जो है राइट करना है. ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको ये डॉट्स ज्वाइन करने हैं और उसके ज्वाइन करने के बाद आपको ये किस शेप में है, आपको यहाँ और आपको राइट करना है. ओके, जैसे ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज वॉच, लेकिन ये किस शेप में है, विच शेप, ये किस शेप में है. जब आप इस डॉट को ज्वाइन कर दोगे, वैसे भी आपको ये शो हो रहा होगा कि ये किस शेप में हमें लग रहा है. ओके, लेकिन आपको
क्या करना है? आपको इसे ज्वाइन करना है। ओके, आप इसे ज्वाइन कर दोगे। और अब देखिए ये किस शेप में हो गया। दिस इज व्हाट बट द शेप ऑफ सर्कल। ओके, ये किस, ये जो है ये कौन सी थिंग है? ये वॉच है, लेकिन ये किस शेप में है? ये सर्कल के शेप में है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या राइट करना है? दिस इज अ शेप ऑफ सर्कल। ठीक है, ये किस शेप का है? सर्कल शेप का है। ओके, नाउ इसी तरह अब आपको ये भी ज्वाइन करना है। देखिए व्हाट इज दिस, दिस इज अ बोर्ड। ओके, ये क्या है? ये बोर्ड है। ठीक है, लेकिन ब्लैक बोर्ड। ओके, ब्लैक बोर्ड क्या करता है? ब्लैक बोर्ड पर टीचर आपको पढ़ाती है ना, वो हमारे भविष्य का निर्माण करता है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसे इस डॉट को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, जब आप इस डॉट को ज्वाइन कर देंगे तो देखिए ये किस शेप का बन गया, विच शेप ऑफ बोर्ड, कौन से शेप में है? ये है रेक्टेंगल। दिस इज शेप ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रेक्टेंगल? आर ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल। ओके, अब देखिए ये क्या है, ये है ट्रेंगल। देखिए बेटा रेक्टेंगल इसकी मीनिंग भी आप जान जाइए। रेक्टेंगल मीन्स होता है आयत। ओके, इसकी हिंदी मीनिंग होती है आयत। और बेटा इसके टू अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, तो चलिए अब ये है आपका थर्ड नंबर। ठीक है, अब ये थर्ड नंबर पर बेटा वैसे तो ये क्या है, दिस इज पिज्जा। ठीक है, ये क्या है, बहुत से बच्चों को पिज्जा पसंद होता है। ठीक है, लेकिन ये किस शेप में है, विच शेप ऑफ पिज्जा? ये है ट्रेंगल शेप में। ठीक है, किस शेप में? ट्रेंगल। ट्रेंगल की स्पेलिंग क्या होती है? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्रेंगल? टी आर आई ए एन जी एल ई, ट्रेंगल। ठीक है, ट्रेंगल मीन्स त्रिभुज। और बेटा ट्रेंगल इसमें थ्री कॉर्नर होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको देखिए 1 2 3, इसमें थ्री कॉर्नर होते हैं और इसमें थ्री एंगल भी होते हैं, इसमें थ्री एंगल बनते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रेंगल। ठीक है, और इसमें थ्री साइड्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3, और इसमें देखिए इसमें थ्री एंगल बनते हैं, थ्री साइड्स होते हैं और थ्री वर्टेक्स होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रेंगल। ओके, और ट्रेंगल मीन्स होता है त्रिभुज। ठीक है, दिस इज ट्रेंगल और दिस इज शेप ऑफ ट्रेंगल। और ये क्या है, ये पिज्जा है, लेकिन इसका शेप क्या है, ट्रेंगल शेप में है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर, अब देखिए ये क्या है, ये है आपका स्क्वायर। ठीक है, ये किस शेप में है? अब जब आपने देखिए आप अब इस डॉट को ज्वाइन करिए। ठीक है, देखिए ये किस शेप में है, ये है स्क्वायर शेप में। ठीक है, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्क्वायर? एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स वर्ग। ओके, अब देखिए ट्रेंगल में थ्री एंगल बनते हैं और स्क्वायर में कितने बनते हैं, स्क्वायर में फोर, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें कितने बनते हैं, फोर, और इसमें कितनी साइड्स होती है, 1 2 3 4, फोर साइड्स होते हैं। ठीक है, और देखिए ये क्या, ये स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब ये आपका है फाइव नंबर। अब आप इस डॉट को क्या करिए, ज्वाइन करिए। ठीक है, और देखिए बेटा ये आपका किस शेप में, ये क्या है, ये डोर है। ठीक है, डोर मीन्स क्या होता है, दरवाज़ा होता है। आपने इसे ज्वाइन कर दिया,
ये किस शेप में है, किस शेप में है ये? ये है आपका रेक्टेंगल शेप में, मैंने आपको रेक्टेंगल की स्पेलिंग बताया अभी। और देखिए रेक्टेंगल मीन्स, एक बार फिर से मैं बताती हूँ कि क्या होता है, आयत होता है। अब इसमें देखिए, इसमें भी फोर साइड होते हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें भी फोर एंगल बनते हैं, 1, 2, 3, 4, और इसमें भी बेटा फोर वर्टेक्स होते हैं, 1, 2, 3, 3, 4। लेकिन ये क्या है बेटा, ये आपकी फोर जो है ये साइड है, ठीक है, लेकिन वर्टेक्स कहाँ पे होता है, वर्टेक्स यहाँ पर होता है, 1, 2, जहाँ पर ये लाइन मिलाती है, ठीक है, एक दूसरे को जोड़ती है, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ पर जो जोड़ती है वो वर्टेक्स होती है, 1, 2, 3, 4, और एंगल यहाँ पर होता है, और 1, 2, 3, 4 साइड्स होते हैं, ठीक है, ये है रेक्टेंगल। अब ये क्या है बेटा, आप इस शेप को क्या करिए, ज्वाइन करिए। देखिए बहुत से बच्चों को ये किस शेप में लग रहा होगा, ये क्या ये सर्कल शेप में है? नो, ये किस शेप में है, ये है ओवल शेप में, ठीक है, किस शेप में, ओवल शेप में, OVAL, ओवल मीन्स क्या होता है, अंडाकार, ठीक है, क्या होता है, अंडाकार। देखिए क्या ये सर्कल की तरह लग रहा है, नो, सर्कल क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, राउंड राउंड होता है, बिल्कुल गोल होता है, लेकिन देखिए ये किस तरह लग रहा है, ये आपको एग की तरह दिख रहा है ना, ये एग का शेप आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये किस शेप में, ओवल शेप में है, ठीक है, और ओवल मीन्स क्या होता है, अंडाकार होता है। अब देखिए, अब आपको ये देखिए, ये आपको किस शेप में दिख रहा है, किस शेप में आपको लग रहा है, ये दिस इज शेप ऑफ ट्रेंगल, ठीक है, किस शेप में है, ट्रेंगल शेप में है, ठीक है, इसको ज्वाइन करिए, देखिए थ्री कॉर्नर है इसमें, थ्री साइड्स है, तो ये किस शेप में है, ट्रेंगल, TRIANGLE, ट्रेंगल, ओके। अब देखिए ये ट्रेंगल शेप में है, अब इसी तरह ये किस शेप में है, इसका भी जो जो है डॉट्स आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, आपने ज्वाइन किया इसे, देखिए ज्वाइन करने के बाद आपको ये किस शेप में लग रहा है, ये है रेक्टेंगल, ठीक है, RECTANGLE, रेक्टेंगल। अब है आपका नाइन्थ नंबर, ठीक है, अब देखिए इसे ज्वाइन करिए, अब आप इसे क्या कर रहे हैं, अब इस डॉट को देखिए, अब ये एग है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज एग, ओके, दिस इज एन एग, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ए ई आई ओ यू के आगे एन लगाते हैं, तो अब देखिए ये क्या है, ये जो है एग है, बट ये किस शेप में है, देखिए मैंने यहाँ पे बताया था ना कि एग किस शेप में होता है, ओवल शेप में होता है, तो जो है अंडाकार, OVAL, ओवल, ओवल मीन्स अंडाकार होता है। अब देखिए ये आपको लग रहा है ना, ये बिल्कुल राउंड नहीं, बिल्कुल गोल तो नहीं है ना, अब देखिए जैसे सेम, देखिए अब देखिए ये डिफरेंट है ना, इन दोनों में डिफरेंस देखिए। अब देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, अब आपका है टेंथ नंबर, ठीक है, अब आप इस डॉट को ज्वाइन करिए, क्या करिए, ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, इस डॉट को ज्वाइन करना है। अब देखिए ये क्या है, दिस इज शेप ऑफ सर्कल, किस चीज़ का शेप है, सर्कल का शेप है, ठीक है, अब सर्कल मीन्स क्या होता है, गोला होता है। अब देखिए सर्कल जो है आप यहाँ पर राइट करेंगे बेटा, देखिए जिस तरह रेक्टेंगल में साइड होते हैं, ट्रेंगल में साइड होते हैं, तो क्या सर्कल में भी साइड होते हैं, हाउ मेनी साइड्स इन अ सर्कल, नो, सर्कल में क्या होते हैं, साइड नहीं होते हैं, यानी जीरो साइड होते हैं, ठीक है, तो सर्कल में कितने साइड होते हैं, हाउ मेनी साइड्स इन अ सर्कल,
नो साइड्स, ओके, सर्कल में कोई साइड्स नहीं होते, यानी जीरो साइड होते हैं। दिस इज 11th नंबर। आप क्या करिए, इस डॉट को ज्वाइन करिए, ठीक है। आपने ज्वाइन किया, अब ये किस शेप में है, किस शेप में है, स्क्वायर शेप में। अब बताइए किस शेप में है, ये स्क्वायर शेप में। चलिए बताइए हाउ मेनी साइड्स इन अ स्क्वायर। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं। मैंने आपको भी बताया था ना कितने साइड्स होते हैं, चलिए आप बताइए कितने साइड्स होते हैं। कितने होते हैं, 1 2 3 4, 4 साइड्स होते हैं, ओके। और कितने एंगल बनते हैं इसमें, 1 2 3 4, कितने एंगल बनते हैं, 4 एंगल बनते हैं, ठीक है। अब बेटा 4 एंगल बनते, अब चलिए बताइए वर्टेक्स कहाँ पर है इसमें। देखिए 1 2 3 एंड 4, कितनी वर्टेक्स होती है इसमें, 4 वर्टेक्स होती हैं, ओके। दिस इज 12th नंबर। अब क्या करना है आपको, अब आपको इसे भी ज्वाइन करना है। विच शेप ऑफ लीफ, अब बताइए ये लीफ जो है वो किस, देखिए ये ओवल के अंदर में है। आपको ये बताना है कि ये जो लीफ है इसके बाहर जो डॉट्स हैं वो किस शेप में हैं। तो किस शेप में है बेटा, ये है ओवल शेप में, किसमें, ओवल शेप में, OVAL, ओके। आपको क्या करना है, अब बताइए इसमें कितने साइड्स होते हैं, कितने साइड्स होते हैं इसमें, नो साइड्स, इसमें भी साइड्स नहीं होते हैं, ओके। अब आपको क्या करना है, दिस इज 13th नंबर। इस डॉट को भी आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, यानी सभी डॉट्स को आपको क्या करने हैं, जितने भी डॉट्स आपके बुक में दिए गए हैं सभी को आपको पहले ज्वाइन करना है, उसके बाद आपको बताने हैं कि वो किस शेप में है। तो ये किस शेप में है, ये है सर्कल, ओके, किस शेप में है, सर्कल शेप में। अब दिस इज 14th नंबर। आपको क्या करना है, इसे भी ज्वाइन करना है, इस डॉट को भी, ओके। अब जो है आपने इसे क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये किस शेप में है, ये ट्रायंगल शेप में है, तो क्या यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, ट्रायंगल राइट करेंगे। आप इसे अपनी कॉपी में किस तरीके से करेंगे, आपको फिगर ड्रॉ करने हैं, टू एंड थ्री पेज में ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करिएगा, सभी फिगर्स के जितने भी फिगर्स दिए गए हैं आप सारे नहीं ड्रॉ करिएगा, आप जो है सब, जैसे सर्कल ऑन सर्कल का वन फिगर, रेक्टेंगल का वन फिगर, ट्रायंगल का वन फिगर और स्क्वायर का वन फिगर और ओवल का, ठीक है। यानी इस पेज के सभी फिगर को आप क्या करिएगा, ड्रॉ करिएगा, ओके। और देखिए चलिए अभी आपको हम ये बताते हैं, अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स, ओके। जो है ट्रायंगल में क्या होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल इन अ साइड्स, 3 साइड्स, ओके। एंड कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। हाउ मेनी साइड्स एंड कॉर्नर डज अ रेक्टेंगल हैव। जिस तरीके से ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं उसी तरीके से रेक्टेंगल में कितने साइड और कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो रेक्टेंगल हैव अ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर, ओके। अब देखिए बेटा, पेबल्स ऑन रिवर बैंक्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज ओवल, दे हैव नो शार्प एज बिकॉज द फॉलोइंग वाटर मेक्स देम स्मूथ, ठीक है। नदी के किनारे हमेशा
नदी के किनारे पेबल्स ऑन द रिवर्स बैंक्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज ओवल. नदी के किनारे हमेशा कंकड़ जो होते हैं वो किस शेप में होते हैं? ओवल शेप में होते हैं. किस शेप में होते हैं? ओवल शेप में होते हैं. दे हैव नो शार्प एज्स बिकॉज द फॉलोइंग वाटर मेक्स देम स्मूथ. इसके किनारे जो है इनके पास किनारे नहीं होते हैं क्योंकि पानी जो होता है उन्हें क्या बना देता है? स्मूथ बना देता है. ठीक है, अब आपको समझ में आया आपको इसे किस तरीके से करना है. आपको इसे सबसे पहले तो शेप्स ऑफ थिंग्स डालिएगा, डेट और वर्क और जो है डे शेप्स ऑफ थिंग्स, और आपको इसे ड्रॉ करना है, कलर करना है और अच्छे से राइट करना है. ओके, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी. ओके, चलिए बेटा अब आपका चैप्टर तो फिनिश हो गया, लेकिन अब आपको हम कुछ शेप्स शो करा रहे हैं. आपको बताना है कि वो किस शेप में है. ठीक है, दिस इज स्माइली. ओके, विच शेप ऑफ स्माइली? ये स्माइली किस शेप में है? ये आपको दिख रहा है ना, किस शेप में है बेटा? ये दिस इज शेप ऑफ सर्कल. किस शेप में है? ये सर्कल के शेप में है. ओके, अब आपको पता चल गया इसमें कितने कॉर्नर हैं. दे हैव नो कॉर्नर. ओके, इसमें जो है कॉर्नर नहीं है, जीरो कॉर्नर. ओके, और ठीक है, अब ये किस शेप में है? सर्कल के शेप में है. ठीक है, अब देखिए ये किस शेप में है? दिस इज शेप ऑफ स्क्वायर. ठीक है, अब ये किस शेप में है? ये स्क्वायर के शेप में है. किस शेप में है? ये स्क्वायर के शेप में. ठीक है, अब देखिए ये किस शेप में है? ये क्या है? देखिए ट्रायंगल, थ्री साइड्स है ना इसमें, वन टू थ्री. किस देखिए, वन टू थ्री, ये क्या है? ये कॉर्नर है. ठीक है, वन टू थ्री, और ये क्या है? ये साइड्स है. ठीक है, ये किस शेप में है? ये ट्रायंगल शेप में है. अब देखिए ये किस शेप में है बताइए? ये किस शेप में है? ये भी ट्रायंगल शेप में है. ठीक है, किस शेप में है? ये भी ट्रायंगल शेप में है. तो वन टू थ्री, इसमें भी थ्री कॉर्नर है, वन टू थ्री, और थ्री साइड्स भी हैं. ठीक है, अब मैंने आपको दिखाया, अब देखिए ये किस शेप में है? देखिए किस शेप में है, ये किस शेप में है? ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप में है. किस शेप में है? रेक्टेंगल. तो अब क्या मैंने आपको क्या शो कराया कि आपको जो है मैंने आपको कुछ शेप्स भी दिखाए जो आपको बताने ऐसे. इसी तरह आप अपने आसपास भी कई शेप को देखिएगा, बहुत से शेप्स आपको मिलते हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू. माय कोड इज MPS 103.